अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं अबीरा नूर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग में। आज का व्लॉग शुरू होता है यहाँ पे, टाइम हो रहा है कुछ 7:10। और आज जैसे कि कल हमने आप लोगों को बताया था कि हमारे घर पे बनने जा रहा है या बनने जा रही है आलू की तहरी, और सिंधी में कहते हैं आलू जो पुलाव। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। भाभी ने यहाँ पे चढ़ा दिया है प्याज को ब्राउन करके, टमाटर को भून लिया है, तो आपको उसका लुक दिखा दियो। मैं नकी जो है इस वक्त सब्जियों के साथ खेल रहा है, वो इतना पॉलिश है, मुन्ना है। क्या कर रहे हो नकी, क्या कर रहे हो? सारा कचरा लेकर ही घूम रहा है पूरे घर में। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको पुलाव का प्रोसेस जो शुरू हो चुका है यहाँ पे। तो ये चीजें भाभी ने अभी डाल दी हैं इसके अंदर। इसके अंदर थोड़े से टमाटर, थोड़े से प्याज, थोड़ी सी चिकन भी डाली हुई है। भाई देसी स्टाइल की बनने जा रही है हमारे पास आज बिरयानी। कि क्या हाल कर दिया है, पूरे घर का फैला देते हैं, मुझे ठाना पड़ेगा। ये दिन को हमारे पास बनी थी भिंडी, और ये भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत यमी बनती है। किसी दिन आपसे इसकी भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये तवा फ्राई कहते हैं इसको। और व्यूअर्स, अभी आप बतूल जो है वो इस वक्त फिर से जिद कर रही है, क्या चाहिए आपको? मोबाइल चाहिए। बस बच्चों का बस चले ना, सारा दिन मोबाइल यूज करें। इतनी देर आपने मोबाइल यूज किया, आपका दिल नहीं भरा है? पिया लाडो, व्यूअर्स को हाय करो। कभी हाय नहीं करती व्यूअर्स को, हैं? हाय कर। ओह नो, अपने बाबा जाने के साथ बैठी हुई है भाई, और यहाँ पे सिंधी सॉन्ग चल रहे हैं। और ये मेरा छोटा सा जिन जो है वो कभी किचन में कभी रूम में। अब देखो दोबारा जिद शुरू हो गई कि बैल बैल मतलब बाहर लेकर चलो। देव दरवाजा खुलवा के अपने बाबा के पास जाएगा। चल चल चल, देख मम्मा ने डांस कर देखा। और अभी बन गया है हमारे पास ये अच्छा सा रायता। बिरयानी के साथ रायता अच्छा लगता है, और बिरयानी अभी प्रोसेस में है। ये बिरयानी अभी बन रही है देसी स्टाइल की, यानी कि बिरयानी नहीं कह सकते आप इसको, पुलाव कह सकते हैं। देखिए लुक कितना अच्छा आ रहा है इसका अभी से, और खुशबू कांट एक्सप्लेन, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। सारे घर के मसाले, कोई भी बाहर का मसाला यूज़ नहीं किया हम लोगों ने। और ये हरा मसाला अभी काट के भाभी ने रख दिया है, ये भी यूज होगा इसमें। अभी तरीके से इसका पानी ड्राई होकर तो अच्छी तरीके से भूनेंगे, और उसके बाद बाकी का प्रोसेस शुरू करेंगे। और एज़ यूजुअल अली नकी ज़िद कर रहा है अपने बाबा के साथ कि उसको बाहर लेकर जाए। और डियर अबिया बतूल जो है इस वक्त मोबाइल देख रही है, और ये मेरा शरारती बिल्ला जो है चेयर पे चढ़ के पैसे 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 ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहे हो? पिच्छू। महीने का एंड चल रहा है भाई, ये चावल खत्म हो चुके हैं, तो अभी राशन वाले से ऐसे ही मंगवा लिए। पेमेंट इसकी बाद में करेंगे जब सैलरी आएगी, सैलरी वाले बंदे हैं हम। और एक और चीज़, ऑयल भी ख़त्म हो चुका था, तो ये ऑयल भी हमारा अभी ऐसे ही मंगवाया हुआ है। और यहाँ पे बाबा जाने की चाय गर्म हो रही है, और ये बिरयानी का जो सालन है अभी थोड़ा सा रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट रेडी है देसी बिरयानी। तो जी अब जाने वाला है बिरयानी के अंदर, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि देसी पुलाव है तो पानी, तह वाली बिरयानी नहीं है। 4 कप जाएंगे भाई इसमें बिरयानी, मतलब चावल वगैरह सब डालकर दम पे रख दिया है, और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कांट एक्सप्लेन।
खुशबू तो मैं किसी को बता नहीं सकती, लुक ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। देसी बिरयानी है तो मेरा यार रेसिपी का कोई भी पेज नहीं है ना, तो मैं डेली व्लॉग बनाती हूँ, तो हमारे घर पे ये सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा खाई जाती है इस स्टाइल में, क्योंकि हम लोग भी भाई देसी लोग हैं तो इस वजह से देसी चीज़ें ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो पूरी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन खाने में यार इतनी लजीज बनती है कि देख चाहे मिनटों मिनटों में देखते देखते ही ख़त्म हो जाता है। पर सामने यहाँ पे मिल्क गर्म हो रहा है, ये बच्चों के लिए अभी आ चुका है, तो अभी गर्म होगा फिर हिस्से होंगे फिर सब पियेंगे। ये बेचारा मेरा रूम है जो सर्दियों में यूज़ करती हूँ, इसका ये सेवर भी जल चुका है और इसका ये वाला सेवर भी जल चुका है, अब अंधेरे में ही रहना पड़ता है। और ये जो फ़ैन है ना, ये भी कभी जलता है कभी नहीं जलता, गरीब का हाल बेहाल, क्या कर सकते हैं। अल्लाह पाक से बस मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक अच्छे हालात लेकर आए, आमीन या रब्बिल आलमीन, और महंगाई कम हो जाए। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी गर्मा गर्म देसी पुलाव कह सकते हैं, देसी बिरयानी कह सकते हैं, वो हो चुकी है रेडी। ये देखें इसका लुक, माशाल्लाह कितनी अच्छे तरीके से बनी है। और ये मैंने प्लेट में डिश आउट की है, तो आप लोगों को दिखाती हूँ इसका लुक। ये देखें बोटी कितनी जूसी है, ये फुल बिरयानी बनती है फुल जूसी तरीके से। ये आलू और ये देखिए माशाल्लाह, और ये देखिए माशाल्लाह। दुबारा कर हाय मरिया, हाय हाय पतली कमरिया मोरी, कर ना पतली कमरिया कर, पतली कम घुमका। तो जी आप सबको दे भा के अब मेरी बारी है खाना खाने की, तो मैं अब टेस्ट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी अब बतूल यहाँ पे जिद कर रही है, क्यों जिद कर रही हो? नीचे चलना है मेरी जान को, चलते हैं हम नीचे। तो आज अम्मा के साथ सोएगी? पक्का? ठीक है मेरी जान, चलते हैं थोड़ी देर में। और ये देखें राइस कितने अच्छे अच्छे खिले खिले से बने हुए हैं, जिस जिसने खाने आ जाए, मैं तो खा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लजीज खतरनाक किस्म के, बहुत टेस्टी बने। अपिया भाई कुछ नहीं खाती, अल्लाह की नेक बंदी है। मैंने सुना है आसपास के इलाकों में ज़्यादा बारी हुई है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरे हैं हैदराबाद वगैरह में, हमारे आसपास में भी। अल्लाह पाक से बस यही दुआ है, अल्लाह पाक सब पे अपना करम करे और अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, और जो बारिश है वो रहमत हो जहमत ना हो। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह मुझे अपना प्यार दे रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।